यार ये किधर खड़े हैं माफिया के लोग सारे आज मीटिंग के लिए बुलाया लेकिन यार मेरे को नजर नहीं आ रहे अब ये खड़े हैं ना नूबड़े सारे के सारे तीन यार यहाँ पे माफिया के हेड आए एक जो है ये वाला ये है मैक्सिकन माफिया का हेड और ये वाला जो है ये है जर्मन माफिया का हेड और जो ये वाला नूबड़ा खड़ा है सा ये है यहाँ पे रशियन माफिया का हेड इन सब के साथ आज है फ्रेंकलिन की मीटिंग जब से मैंने आर्मी छोड़ी है यार मेरे पीछे तो सारे माफिया के लोग पड़ गए और कभी एक कहता है मेरा मिशन करो कभी दूसरा कहता है मेरा मिशन करो सो so यार मैं आ गया यहाँ पे अब इनका मिशन करने बैठते हैं सीधा कार के अंदर एक घंटे से मैं इनको ढूंढ रहा था जो कि अब मेरे को ये लोग मिल गए हैं इन्होंने मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई थी बस ये बोला था की माउंटेन्स के ऊपर आ जाओ सो so मैं आ गया कभी किधर खड़े थे अच्छा हाँ वो खड़े हुए सीधा चलते उनके पास और देखते हैं की क्या मिशन देते है और पैसे कितने देते हैं जो बंदा मेरे को ज्यादा पैसे देगा उसी का काम मैं करूंगा और वैसे मैक्सिकन माफिया जो है ना यार वो

ओए तुम सारे गन्स किस लिए पकड़ के खड़े हो अरे यार फ्रैंकलिन फ्रेंकलिन गई पकड़ के खड़ा क्यूँकी तुमने भी तो गन पकड़ी हुई है ना और नूबड़े मैंने तो ऊपर से भी देखा था तब भी तुम लोगों ने गन्स पकड़ी हुई थी अब यार बात ऐसे की मीटिंग बहुत ज्यादा सीक्रेट है अच्छा ठीक है तो इसमें गन्स पकड़ने की क्या बात है अरे बात ये हमारे पीछे पुलिस भी लगी है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज के बंदे भी लगे हुए हैं तो हमने कहा की क्यूँ ना गन्स वगैरह निकाल के रखे कोई भी कभी भी हम पे हमला कर सकता है अच्छा चलो ठीक है हाँ अब बताओ तुम लोगों के क्या क्या काम है यहाँ पे और क्या क्या मिशन है अरे फ्रैंकलिन नाम बड़ा सुना है हमने तुम्हारा हाँ पता है यार मेरे को नाम तो वैसे भी मेरा बड़ा मशहूर है पुलिस के अंदर भी आर्मी के अंदर भी और माफिया के अंदर भी सबके साथ तो मैंने पंगा लिया अरे नहीं नहीं यार पंगे की तो खैर है लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ गई है हम बहुत ज्यादा लोगों को अफोर्ड कर करके थक गए हम सोच रहे की अपने सारे बंदों को नौकरी से निकाल के सिर्फ तुम्हें हायर कर ले अब नूबड़ो मैं इस नूबड़े के मिशन कर करके तंग नहीं आता अब मैं तुम्हारे भी यहाँ पे मिशन करने लग गया तो फिर मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचने लगा हाँ तो क्या करोगे तुम टाइम का भी पैसा जो तुम्हें बहुत ज्यादा मिल जाएगा बात तो तुम लोग भी ठीक करे हो अच्छा बताओ क्या काम क्या है और पैसा कितना दोगे मेरे को उस काम का अरे फ्रैकलिन इनका काम बहुत आसान है अरे फिर भी बताओ तो सही ना अरे यार तुम जरा कोने पे जाओ कोने पे किधर कोने पे पे मैं कोई कमरे में खड़ा जो कोने पे मतलब के माउंटेन की एज पे जाओ अच्छा माउंटेन की एज पे जाऊँ चलो चल के देख लेते हैं किधर जाने का कह रहे हैं लोग हमें हाँ पहुंच गया मैं थोड़ा सा और आगे जाओ अब इससे आगे फिर खाइए मैं नीचे गिर के मर मर जाऊंगा पागल पागल तो नहीं हो गये सामने तुम्हें एक आईलैंड नजर आ रहा है क्या सामने मुझे आइलैंड हाँ आइलैंड तो नजर आ रहा है इस आइलैंड पे तुमने जाना है अरे बस ये मिशन है अबे नूबड़े जाके करूंगा क्या मैं अबे बात तो सुनो ना तुम इधर आके हाँ आ रहा हूँ अच्छा आप बताओ क्या काम है इस आइलैंड के ऊपर एक बॉम्ब पड़ा हुआ है अच्छा बॉम्ब पड़ा हुआ है अरे हाँ ना बॉम्ब पड़ा उस बॉम्ब को तुमने लेकर आना है वहाँ से अबे क्या मतलब बॉम्ब को लेकर आना है लेकिन तुम लोग खुद जाके क्यों नहीं ले लेते उधर से अरे बात ऐसे कि उस आइलैंड पे बहुत ज्यादा आतंकवादी बैठे हैं अबे नूबड़ो तो तुम लोग आतंकवादी नहीं हो अरे नहीं यार हम लोग तो माफिया के लोग है ना आतंकवादी तो लॉस एंड टॉस को नुकसान पहुँचाती है हम लोग तो सिर्फ स्मगलिंग वगैरह करते हैं लेकिन किसी की जान के साथ तो नहीं खेलते अच्छा चलो ठीक है चला जाता हूँ मैं लेकिन बॉम्ब को लाके करना है क्या है और अगर मैं बॉम्ब को ले आता हूँ तो फिर तो तुम लोग लॉस एंड टॉस के लिए बॉम्ब को इस्तेमाल करोगे अब नहीं यार उस बॉम्ब को हमने बाहर भेजना है अपने दुश्मन देश के अंदर अच्छा दुश्मन देश के अंदर वो बॉम्ब भेजना है लेकिन किस लिए अबे वहाँ पे हम फाड़ेंगे ना इसको अबे क्या बात कर रहा है नहीं यार छोड़ इस बात को मैं ये वाला मिशन नहीं करने लगा अरे मेरी बात सुनो तुम हमारे लिए वो बॉम्ब इतना जरूरी नहीं है वहाँ पे पड़ा हुआ गोल्ड बहुत ज्यादा वो गोल्ड तुमने लेकर आना है असल मकसद तो उस गोल्ड को हमने हासिल करना है किसी भी तरीके से अच्छा तो ऐसे बोलो

लेके जाऊंगा ना या तो तुम लोग भी मेरे साथ चलो तो फिर ये इक्वल का शेयर बनता है इस दफा तो रिस्क भी मेरा ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे आतंकवादी और आतंकवादी जो होते हैं वो बहुत वेल ट्रेंड होते हैं बात तो तुम्हारी भी ठीक है तो तुम लोग ऐसा करो ना सारे ट्वेंटी ट्वेंटी कर लो तो मैं कर लेता हूं। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार देखो मेरी बात सुनो सामान कौन लेकर आ रहा है तुम लेकर आ रहे हो फ्रेंकलिन और जान किसकी जाएगी अगर ये सारा का सारा मिशन मैंने सही तरीके से ना किया नेंकलिन तुम्हारी जान जाएगी हाँ तो ठीक है फिर थोड़ा सा तो मेरे को एज दो ना अच्छा चलो ठीक है ले लो तुम लेकिन ये रिपोर्ट कन्फर्म है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा गोल्ड पड़ा हुआ है अरे बहुत ज्यादा गोल्ड पड़ा हुआ है ठहरो यार मैं चल के चेक तो करूँ गोल्ड पड़ा हुआ कितना है क्यूँकी मेरे को तो वहाँ पे एक बंदा भी नजर नहीं आया ये तो यहाँ पे जाएंगे तो पता लगेगा ना अब अभी आगे नहीं जाना मैंने ठहर मैं जाओ ठहर जाओ बस ये एक रूम मेरे को नजर आ रहा है और यार गाइस और कुछ भी नहीं नजर आ रहा इसका मतलब है ये भी जगह बहुत ज्यादा दूर है जो हमारी स्कोप भी इसको नहीं देख सक रही एक मिनट ठहरो यार इस टावर के अंदर क्या है मुझे इस टावर के अंदर भी देखना है ये ना यहाँ पे भी आतंकवादी के लोग बैठे हुए जो की देख रहे हो कि भाई पे कौन आता तो उसके ऊपर यहाँ से हमला कर दे लेकिन ये वाला एरिया भी सारा का सारा खाली पड़ा हुआ है तो ठीक है मिशन कर लेते हैं ये वाला कोई बड़ी बात नहीं है आओ मिशन करने के लिए मैं रेडी तो बस ठीक है फिर तुम जाओ और ये वाला मिशन जल्दी से जल्दी से कर कर लो अच्छा ठीक है कर लेता लेकिन यार मुझे वहाँ पे कुछ चीजें चाहिए होंगी अरे कैसी चीजें चाहिए तुम्हें अरे यार मेरे को यहाँ पे एक बोर्ड चाहिए होगी जिसके ऊपर मैं गोल डाल के लेकर आऊंगा अच्छा ठीक है और क्या चाहिए होगा तुम्हें और मेरे को एक जीप चाहिए होगी क्योंकि इस कार के ऊपर तो मैं नहीं जाने वाला अभी क्या बात कर रहा है यार इस कार के ऊपर चला जाना यार हम तेरे को ऐसी एक और कार बनवा देंगे ओ नूबड़े फिर मैं तेरी कार के ऊपर जा रहा हूँ तू अपनी कार फिर बनवा ली है कैसी हाँ हाँ ठीक है तू मेरी कार ले जा पक्की बात है हंड्रेड परसेंट पक्की बात है तो फिर मैं गोल्ड लेकर आऊंगा किधर अबे यार तू गोल्ड लेके इधर ही आ जाए ना अबे इधर आ जाऊँ पक्की बात है अरे हाँ हाँ, हाँ एकदम पक्की बात है गोल्ड लेके तू इधर आ जाये सीधा चलो तो ठीक है फिर मैं निकलता हूँ तेरी कार पे जा रहा हूँ पहले बता रहा हूँ मैं हाँ हाँ चल आ कोई मसले की बात ही नहीं है सो so यार गाइस चलते हैं इसी की कार के ऊपर और जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमें बोट कहाँ पे मिलेगी अबे नूबड़े बोट मिलेगी किधर ये बताना और सुन मेरी मुझे एक पिकअप चाहिए अब पिकअप किस लिए चाहिए तुझे अब तुम लोग जो कह रहे हो इतना ज्यादा गोल्ड वहाँ पे पड़ा हुआ है तो गोल्ड लेकर तो मैं आ जाऊंगा वहाँ से तो फिर मैं यहाँ पे किस तरह लेकर आऊंगा हाँ ये बात तो हम लोगों ने सोची नहीं अरे तुम टेंशन ना लो तुम वहाँ पे पहुंचोगे तो हमारे आदमी वहाँ पे तुम्हारे लिए बोट भी लेके खड़े होंगे और एक पिकअप भी लेके के खड़े होंगे पक्की बात है हंड्रेड परसेंट पक्की बात है तुम जाओ तो सही ना लेकिन मैं जाऊंगा किस साइड पे ये तो बताओ मेरे को तुम्हें तो टावर के पीछे घर नजर आ रहा है अरे हाँ नजर तो आ रहा है मुझे ऐसा करो इस घर के पास चले जाओ यहाँ पे स्टेयर उतर रही होंगी स्टेयर उतर रही होंगी अरे हाँ स्टेयर उतर रही है नजर आ गई मुझे बस ठीक है इसी साइड पे चले जाना यहाँ पे मेरे आदमी खड़े होंगे ओके ठीक है ठीक है तो बस तुम पहुंचोगे तो वो आदमी ऑलरेडी वहाँ पे खड़े होंगे तुम बस काम करके फटाफट वहाँ से आ जाना चलो तो ठीक है मैं कर लेता हूँ ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है यार खैर इतना ईजी भी नहीं है

यार कार मेरी चली जाएगी नीचे खड्डे के अंदर और नुबड़ो हटो आगे से आराम आराम से जाएंगे यार गाइस कोई जल्दी नहीं है बल्कि यहीं से उतर जाते हैं यार आराम से जाके क्या करना है कार मेरे को पता यार इसकी बुलेट प्रूफ प्रूफ और होती है सो इसको तो स्क्रैच भी नहीं आने वाला अरे यार अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार जाके चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब कर बेलाइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना अभी अभी आराम से आराम से आराम से यार अब यार ये तो नीचे एक नाला सा आ गया क्या करे क्या करे इस नाले में से निकल जाते हैं कार अगर निकल गई तो और यार मुझे तो लगता है कार तो आराम से निकल जाएगी अरे यार ये तो शॉर्टकट हो गया मेरे लिए मस्त हो गया यार बेस्ट हो गया बल्कि लेकिन अब वो घर की ऊपर दोबारा से, से चढ़ाते हैं कार को यहाँ कहीं गया टावर भी आ गया। अब ने मेरे को इतना अब इस कार को काम खड़ा करेंगे काम करते हैं थोड़ा सा आगे ले ही जाते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाला जो घर है ये खाली पड़ा हुआ है सो यार चलो इस कार को हम छुपा देते हैं इन झाड़ियों के अंदर क्योंकि यार कार बहुत ज्यादा ओपी है ना मुझे लग रहा है कि चोरी वोरी ना हो जाए चल देखते हैं यार उसका आदमी आया कि यहाँ पे या नहीं आया क्या रहा था कि टावर वाली साइड पे जो स्टेज पे इसका आ गया होगा और बोट भी और हाँ आपका आप आप नाम फ्रेंकलिन है क्या हाँ यार मेरा नाम है फ्रेंकलिन अच्छा बताओ करना क्या है अरे सर ये बोट लाने को बोला था मुझे रशियन माफिया के हेड ने तो मैं ले आया आपके लिए और एक कार भी बोली होगी उसने अरे नहीं सर कार नहीं बोली उसने अबे क्या बात कर रहा है यार कार तो बोली थी उसने नहीं सर कार तो बिल्कुल नहीं बोली लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक पिकअप ले आया अबे नूबड़े पिकअप ही मंगवाई थी मैंने तो बस ठीक है सर पिकअप आ गई है आप एक काम करे सर जब आप बोट लेकर आएंगे तो आपने वो पीछे देखे अबे कौन से की बात कर रहा है तू अरे ये जो बड़े बड़े स्टोन नजर आ रहे हैं ये बोले अरे हाँ ये बोले इसकी बैक साइड पे कार खड़ी है सर पानी में किस लिए कूद गए यार ये मैं लंगर काटने के लिए उतरा हूँ ठहरो में आ रहा हूँ अभी मैं भी कितना नूबड़ा हूँ यार पानी में किस लिए कूद गया बात तो वो भी ठीक कर रहा है खैर यार हाँ ठीक है मुझे पता लग गया तुम एक काम करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता था तुम यही खड़े रहो ओके सर ओके मैं यही पे खड़ा क्या आपका वेट करता सर फिर से पानी में कूद गए और यार इस तो मेरा पाउ स्लिप हो गया था सर क्यों झूठ बोल रहे हैं अच्छा यार छोड़ो छोड़ो जा रहा हूँ पता नहीं किस लिए मैं पानी में दो दफा गिर गया यार मुझे तो समझ ही नहीं आई खैर यार चलते हैं उस आइलैंड की तरफ अबे ये बोट किसकी है ओए ये तो पुलिस वालों की बोट है ये तो गड़बड़ हो जानी है यहाँ पे खैर यार पहले मैं जाके जरा चेक कर लूँ की कार किधर खड़ी हाँ यार कार तो ओपी खड़ी हुई है यही कार तो मेरे को चाहिए थी चलो तो ठीक है अभी किधर निकल आया हूँ मैं वापस पानी में जाना है मेरे को वापस पानी के अंदर मैं आ गया हूँ अब चलते सीधा आईलैंड की तरफ और ये तो पुलिस फिर रही है नहीं पुलिस नहीं है यार लोकल लोग है मैं ऐसी डर गया कि पुलिस फिर रही है अबे यार ये लोग यार पे मेरा ख्याल है रेस लगाने के लिए खड़े लेकिन यार मेरे को इनका क्या करना है रेस लगा जो मर्जी करे लेकिन अगर तो यहाँ पे हो गया हमारा सामना आतंकवादियों के साथ तो यार इनको कोई गोली वोली ना लग जाए अब नहीं लगती इतने नूबड़े तो है नहीं और यार आज लहरें ऊंची है सो बोर्ड को मैं काम को तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लेता हूँ क्योंकि मेरे को गोड़ भी यहाँ पे रखना है अबे ये जगह मस्त है एकदम बस वापस नहीं जाना रुक जाओ रुक जाओ ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को चलो तो फिर चले बोट ऐसा पीछे जा रही है यार 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 गाइस इसका क्या इसको इसको थोड़ा सा आगे ना रख अबे अबे देखो यार गई अबे गई।, अबे गई ओ नहीं जाना। ओ नहीं नहीं जाना जाना ऐसे बैठ 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 जाओ बैट जाओ बैट जाओ ऊपर तक लेके जाएंगे इसके अंदर टर्बो लगा टर्बो प्रेस करता हूँ इसको ऊपर तक ले जाता हूँ ताकि ये यहाँ से कहीं जाए ना अबे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा लेकिन नहीं आ रही है ठीक है अब यहाँ से नहीं जाने वाली ये दो स्टोन के बीच में फंस गई है वापसी पे मैं इसको किसी तरीके से पानी के अंदर ले ही जाऊंगा चलो यार चल के ऊपर देखते हैं कि आतंकवादी मिलेंगे मैं पे। और यहाँ पे किधर मिलेगा यहाँ पे तो ज्यादा नहीं लग रही जा रहे हैं पागल तो नहीं हो तो गए ये ये आंटिया भी है यार इस गैंग के अंदर तो गैंग के अंदर नहीं यार आतंकवादी आतंकवादियों के अंदर तो आंटिया भी है ये देखो यार जितनी भी है सारे यहाँ पे आंटिया नजर आ रही है मेरे को ठहर यार पूरा का पूरा सर्च करना पड़ेगा और सबके पास वेपन्स हैं यार यहाँ पे किधर फिर ये देखो यार लेकिन ये लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे मेरा ख्याल है कुछ गड़बड़ है यहाँ पे या तो ये लोग डर गए मेरे से और भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जाएंगे किधर भाग के लिए आईलैंड पे और भी कोई है कि नहीं अभी ये तो काम बहुत ईजी हो गया यार मेरे लिए ये तो मुश्किल ही नहीं था एकदम आसानी से हो गया और एकदम ओपी तरीके से हो गया अब मुझे जाके देखना है इस रूम के अंदर गोल्ड पड़ा हुआ है की नहीं अभी ये लोग कहीं और बंदे तो लेने नहीं चले गए खैर यार अंदर रूम में जाके देखते कितना गोल्ड पड़ा हुआ है यहाँ पे अरे अभी बहुत सारा यार ये तो एक मिनट ठहरो यार काउंट करने तो कितनी ब्रिक्स होंगी यार ये पीछे हो जाते हैं थोड़ा सा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन होगी इधर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तकरीबन यार एक रो के अंदर जो है ना ट्वेंटी एट ब्रिक्स है गोल्ड की और यार बहुत ज्यादा गोल्ड है यार ये वाला तो काम करता हूँ इसको उठा के अपनी डालता हूँ बोट के अंदर और फिर जल्दी से ऊपर चले जाते हैं माउंटेन के अभी यहाँ से क्या वो नूबड़े मेरे को नजर आएंगे नहीं नजर आएंगे क्योंकि कार सो पीछे छुप के खड़ी हुई थी यार मेरे को यहाँ पे कोई बंदा नजर आया एक मिनट ठहरो यार ये खड़ा हुआ नूबड़ा अभी किधर जा रहा है भाग के यार ये तो फोर्सेस का बंदा था किधर गया मर गया के नहीं अबे मर गया के नहीं मर गया मेरा ख्याल है लेकिन यहाँ पे खड़ा हुआ कर क्या रहा था खैर यार बात की बात है अभी चलते यार और ये वाला गोल्ड उठा के रखते अपनी बोट के अंदर बोट से डालेंगे कार के अंदर कार से लेके जाएंगे ऊपर माउंटेन के और फिर उसके बाद हम अपना शेयर लेके हो जाएंगे साइड पे यार गोल्ड हम लोगों ने रख लिया अपनी बोट के अंदर और यार इतना ज्यादा गोल्ड नहीं था मैं समझ रहा था कि ये शायद बोट के अंदर ना आए लेकिन नहीं यार इजीली आ गया बोट के अंदर अब चलते हैं सीधा उस लोकेशन के ऊपर जहाँ पे खड़ी हुई हमारी जीप लेकिन ये जो लोग भाग के गए थे ना पानी के अंदर इनको भी मुझे एक दफा देखना देखने ये भागे क्यों थे क्या कोई बड़ा प्लान तो नहीं था इनका लेकिन यार एक और चीज मैंने नोट किया मुझे यहाँ पे कोई बॉम्ब नहीं नजर आया जिसकी बात कर रहा था वो बंदा खैर ये भी चल के उससे बात कर लेते हैं कौन सा दूर है यार इधर पास में ही तो खड़ा है वो अबे मुझे पे एक बंदा और नजर आया लेकिन किधर है किधर है ये जा रहा है यार स्विमिंग करता हुआ लेकिन जाके अबे किधर गया ओ किधर गया तू नजर क्यों नहीं आ रहा ये रहा 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 ये ये यार ये तो वो बंदा जिसको मेरे मारा था लेकिन ये बच गया एक मिनट इसको मार देता हूं मैं यहाँ पे मर गया क्या हाँ मर गया पानी के अंदर चला गया ये एकदम लेकिन यार ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही खैर जो भी है हमने तो अपना गोल्ड उठा लिया ना अभी मुझे तो ये भी नहीं पता कि गोल्ड असली है नकली चल के देखते हैं यार क्योंकि जिन्होंने मंगवाया उन्हीं को ज्यादा पता होगा खैर यार पता तो मुझे भी लग जाता है लेकिन उनको देखते ना कि वो लोग क्या कहते हैं अभी कार किधर खड़ी थी अबे ये खड़ी भी है मैं भी कहूँ यार कार तो इधर आसपास ही खड़ी थी फिर मेरे को नजर क्यों नहीं आई सीधा बोर्ड को लेके जाके खड़ा करते हैं इस कार के साथ ताकि गोल्ड उतारने में आसानी हो और इस जीप में डालने में आसानी हो चलो तो यार गोल्ड उठाते और डालते अपनी कार के अंदर और फिर कार को हम लोगों ने लेके जाना ऊपर गोल्ड तो यार वैसे बहुत ज्यादा हैवी है लेकिन चलो चली जाएगी कार मेरा ख्याल है ओपी और पहाड़ी के ऊपर चढ़ी जाएगी डाल दिया यार सारा का सारा गोल्ड कार के अंदर हम ने। अब चलते है सीधा और लेते हैं है हाँ, है और ट्वेंटी है सारा का सारा है कार कैसे चढ़ाऊंगा पानी के अंदर से नहीं लेके जानी पड़ेगी क्योंकि अगर पानी के अंदर से लेके जानी पड़ी तो यार ये तो कार हो जाएगी खराब इसलिए जरा ध्यान से कोने कोने से लेके जाएंगे ताकि ये कार ज्यादा खराब न हो पानी की लहरें जरा नीचे हुई

तो बहुत ज्यादा और बहुत पावरफुल है यार इतना ज्यादा गोल्ड लेके भी यार ये चढ़ रही है ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है लेकिन नहीं यार चढ़ रही है चढ़ रही है चढ़ रही है, है, है ऐसा ऐसा, ऐसा चढ़ जाएगी अरे मस्त यार मस्त ठीक है जाएगी ऊपर तक जाएगी लेकिन ऊपर हम लोगों ने एग्जैक्ट किस लोकेशन में जाना है खैर ये तो ऊपर चल के ही देखते हैं यहाँ पे एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है कार यार ऐसा ऐसा ही जाएगी क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है हमारी कार के अंदर लेकिन लेके तो जाना है हम लोगों ने आगे जाके हम लोग ये बाकी कार्स के अंदर डिवाइड कर देंगे सो उस तरीके से लोड कम हो जाएगा लेकिन इस टाइम हम लोग चार कार्स का जो लोड है वो एक ही कार के अंदर लेके जा रहे हैं अभी ये खड़े में नूबड़े इतने करीब थे मैं समझा बहुत ज्यादा दूर होंगे लेकिन मैं आया कौन से रास्ते से हूँ ठहरो यार मेरे को देखने दो अभी नीचे नहीं जाना नीचे नहीं जाना इससे पहले के कार मेरी नीचे गिर जाए अभी यार देखो कितनी दूर से मैं आ गया हूँ यहाँ पे चलो तो यार इनको देते हैं यहाँ पे गोल्ड आ नूबड़ा गोल्ड ले आया हूँ मैं अरे वाह यार वाह फ्रेंकलिन तुमने बहुत ज्यादा ओपी काम किया अभी यार लेकिन एक प्रॉब्लम है अरे हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है नुबड़े मेरी कार किधर है और तेरी कार तो नीचे खड़ी है जाके ले ना मैं तो इस कार के अंदर गोल्ड लेके आया आयु हाँ चल ठीक है ठीक है तेरा बंदा ले लेगा क्या कार नीचे जैसे अरे हाँ ले लेगा तो टेंशन ना ले हाँ फ्रैंकलिन बताओ अब क्या मसला था वहाँ पे अभी यार मैं जैसे उस आईलैंड के अंदर गेउ ना, ना तो मेरे को वहाँ पे बॉम्ब नजर आया और ना ही वहाँ पे मुझे आतंकवादी ज्यादा मिले अभी क्या बात करे वहाँ पे तो दो तीन सौ आतंकवादी बैठा हुआ है जिसने लॉस एंटॉस के ऊपर हमला कर रहे है, और हम तो उसका वेट कर रहे हैं की वो जैसी हमला करे हम उसकी बोटी बोटी कर दे लेकिन यार वहाँ पे जितने भी लोग थे वो तो मेरे को देख के भाग गए थे अरे वाह यार वाह वो समझे की ओपी सोल्जर आ गया होगा अबे लेकिन उनको कैसे पता अबे उनको सब पता होता है तू पहले आर्मी में ना और ओपी किस्म का सोल्जर भी रहे तो तेरी शक्ल देखे वो सारे के सारे नूबड़े भाग गए होंगे वहां से अभी ऐसा भी होता है क्या अभी ऐसा ही होता है तेरी पिक्चर उन्होंने पहले देख लेनी होनी है और फिर उनको पता लग गया होगा की ये आ गया यहाँ पे फ्रेंकलेन और ये अब हमें छोड़ेगा नहीं इसलिए वो सारे पानी में कूद के भाग गए होंगे अभी बिल्कुल ऐसे ही भागे थे तेरे को कैसे पता है सारा कुछ अभी मेरे को पता है मैं आतंकवादियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ अच्छा बड़ी बात है यार फिर तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है चल अब अपना शेर निकाल और जा अबे सबर कर नुबड़े निकाल और जा पहले मुझे गोल्ड यहाँ पे लाने दो उसके बाद देखते हैं क्या करना है ये देखो नुबड़ो सारे के सारा गोल्ड में ले हूं। अब बताओ किस तरीके से डिवाइड करना है हम लोग है चार लोग चार बोल कर लेते हैं। क्या याद रखोगे ओके, ओके, थैंक यू, यू अरे Franklin यार ये काम करके तू हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है अभी कैसा मसला हल कर दिया है मतलब हम लोगों के पास आजकल पैसे नहीं थे और हमने तुझे जैसी इन्फॉर्मेशन दी तूने ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर दिया हाँ चलो ठीक है काम करोगे अरे हाँ बोल फ्रैंकलिन क्या कर रहा है मेरे हिस्से का गोल्ड जरा मेरे घर भिजवा देना क्यों तू अपनी कार में नहीं लेके जा रहा अबे नहीं यार मेरी कार जो है ना वो खराब हो जाएगी वो नूबड़ी पीछे खड़ी है ना फोर फोर, उसके अंदर डाल के भिजवा दें ओके ओके ठीक है सो यार गाइस चलते हैं अब घर की तरफ और यार आज भी हम लोगों ने अच्छे पैसे कमा लिया यहाँ पे और इसी तरीके से चलता रहा ना तो यार एक दिन लॉस एंड टॉस के हम सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे लेकिन यार हम लोगों ने अपनी अयशिया भी ऐसे रखी हुई है ना जैसे हम लोग पता नहीं कितने अमीर लोग यहाँ पे खैर यार वीडियो अगर पसंद आई है तो यार जाके चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय